आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वन मंत्री व स्थानीय विधायक के समक्ष 216 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल कराने की बात को जिला कांग्रेस कमेटी ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल जिला मुख्यालय के पत्रकार भवन में आयोजित एक पीसी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जिन 216 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया जाने की बात कही जा रही है वह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ झूठा अफवाह फैलाने में लगी है, एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। यह अफवाह सिर्फ भाजपा के गिरते जनाधार एवं वन मंत्री व भाजपा के लोगों में बौखलाहट की बू है। भाजपा का जनाधार बीजापुर क्षेत्र में निरंतर ही गिर रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी भैरमगढ़ मंडल की बैठक थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहाँ पर कई ग्रामीण किसान, महिलाएं, माताएं और युवा, खासकर युवा वर्ग काफ़ी संख्या में आए हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, डॉक्टर रमन सिंह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश गागड़ा जो युवा और कर्मठ व्यक्ति हैं, इनसे प्रभावित होकर कल हमारे पार्टी में 216 कार्यकर्ता, आम पब्लिक, किसान, महिलाएं, युवा बीजेपी की योजनाओं से, बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। दो दिन पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूदा वन मंत्री के सामने 216 कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश हुए, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था बात। जिला कांग्रेस कमेटी जिसका खंडन करती है, उस 216 में एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, जो कि पूरी तरह से झूठ है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। लगातार क्षेत्र में मौजूदा वन मंत्री, विधायक और भाजपा का गिरते जनाधार से बचने के लिए भाजपा और विधायक ने इस तरह से झूठ का सहारा लिया है। अगर वास्तव में वो कांग्रेस कार्यकर्ता होते हम जरूर टबुलते, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का माननीय वन मंत्री महेश गागड़ा जी अपनी अस्थिरता को स्थिर करने का एक घिनौना प्रयास किया है। वो 216 ग्राम के लोग थे, ग्रामीण जन थे, अपनी कुछ मांगों को लेकर माननीय विधायक महोदय के पास गए थे और उन्होंने कांग्रेस का कार्यकर्ता बताकर दिग्भ्रमित और बीजापुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया।